हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है द ज्ञानी और मैं हूं आपके साथ गौरव चौहान। आज हम बात करने वाले हैं ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ब्रोकरेज चार्ज इन जीरोधा, हम आज जीरोधा के अंदर जो लगने वाले ब्रोकरेज चार्ज के बारे में बात करेंगे और ये सिर्फ और सिर्फ किसके में बात करेंगे, इक्विटी डिलीवरी के बारे में। अभी हम फ्यूचर ट्रेडिंग और इंटर डे के बारे में इस वीडियो में बात नहीं करने वाले, अभी हम सिर्फ डिलीवरी। जब भी कोई आप शेयर एक दिन से ज्यादा अपने डीमैट अकाउंट में होल्ड कर लेते हैं तो उसके ऊपर लगने वाले चार्जेस क्या होते हैं, चाहे आप बाई साइड पे हो चाहे आप सेल साइड पे हो, आप दोनों साइड पे आपको ये चार्ज पे करने पड़ेंगे, ये आपको पता ही होगा ऑलमोस्ट। तो बेसिकली करीब 6-7 तरीके के जो चार्जेस होते हैं जो आपको पे करने पड़ते हैं एट अ टाइम, और एक चार्ज वो होता है जो आपको एकदम नहीं पे करना पड़ता है, जो आपको 1 से 2 दिन बाद वो चार्ज देना पड़ता है, उसको उसके उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जान लेंगे वो कौन सा चार्ज होता है। तो बेसिकली कर आज धीरे धीरे हम इस पूरी वीडियो के अंदर वो चार्जेस देखने वाले हैं जो डिलीवरी के अंदर लगने वाले हैं, और बिगनर्स जो भी बिगनर्स हैं उनको एक क्लियरिटी हो जाएगी कि हमें अपना डीमैट अकाउंट किस प्लेटफॉर्म पे करवाना, किस ब्रोकर के पास करवाना है, उस चीज की भी उनको एक क्लियरिटी मिल सकती है, थोड़ी नॉलेज मिल सकती है कि हाँ इस प्लेटफॉर्म पे या इस ब्रोकर के पास ये चार्जेस हैं, और जो भी बाकी अपस्टॉक या शेयर खान के पास ये चार्जेस होते हैं, तो उनको एक बहुत ही एक अच्छी नॉलेज मिलेगी और वो अपने अकाउंट को या अपने डीमैट अकाउंट को किसी भी अच्छी ब्रोकर के पास खुलवाने में हेल्पफुल ये वीडियो उनके लिए होने वाली है। और मैं आपको एंड में इस वीडियो के दिखाने वाला, जो मैंने जो ट्रेड लिया था तो उसके अंदर मेरे पास कौन कौन से चार्जेस लगे थे वो मैं स्क्रीनशॉट भी आपको इस वीडियो के एंड में दिखाने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट दी। पहला जो चार्ज मेरा जो लगा था वो कौन सा था, हम वो देख लेते हैं। तो जो मेरे सबसे पहला जो मैंने चार्ज अपना पे किया था वो था टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ब्रोकरेज। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई, टैक्सेबल वैल्यू आपको एक टैक्सेबल वैल्यू सप्लाई जो आपको शेयर सप्लाई किया था वो एक अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, पर ब्रोकरेज चार्ज जीरोधा के अंदर जीरो होता है, एब्सोल्यूट जीरो, चाहे एनएससी पे ट्रेड लो चाहे बीएससी पे ट्रेड लो, एब्सोल्यूट जीरो। मतलब अगर आप ये ट्रेड जीरोधा से लेते हो तो उसके अंदर उन्होंने ब्रोकरेज चार्ज डिलीवरी के अंदर ब्रोकरेज चार्ज बिल्कुल जीरो कर रखा है, एब्सोल्यूट जीरो दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको टैक्सेबल वैल्यू सप्लाई के अंदर कुछ अमाउंट होता है वो आपको पे करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा भी दूंगा अपने ट्रेड के अंदर जो मैंने लिया था उसके अंदर कुछ अमाउंट पे करना पड़ा था, तो वो आपको उससे वो क्लियरिटी हो जाएगी मैंने कितना अमाउंट पे किया था। बेसिकली ब्रोकरेज चार्ज जीरो था नहीं लेता है, बाकी भी ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि बाकी प्लेटफॉर्म जो भी है, बाकी ब्रोकर जो भी है, वो भी ब्रोकरेज चार्ज डिलीवरी के अंदर नहीं लेते हैं, पर जीरोधा में ब्रोकरेज चार्ज एब्सोल्यूट जीरो ही है। बाकी अपने हैंड पे भी एक बार चेक कर लेना कि बाकी जो ब्रोकर्स हैं वो क्या ब्रोकरेज चार्ज करते हैं या नहीं करते हैं, एक बार उसका भी आप नजर बना के अपना डीमैट अकाउंट उसी अच्छे से अच्छे ब्रोकर के पास खुलवाने की कोशिश करना, और सारे के सारे चार्जेस एक बारी जरूर अच्छी तरह पढ़ लेना। और जियोधा के बारे में तो आपको मैं यहाँ पे क्लियरिटी दे ही दूंगा अच्छी तरीके से। तो ठीक है फ्रेंड, तो हमारा नेक्स्ट चार्ज देख लेते हैं वो कौन सा। नेक्स्ट चार्ज हमारा 3 तरीके के चार्ज होते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन जिसे हम एसटीडी या सीटीडी भी बोलते हैं, जो 0.1% बाय एंड सेल बोथ साइड लगता है, पर अगर फ्यूचर या इंटरडे में जाते हो तो ये सिर्फ सेल साइड पे आपको ये पे करना पड़ता है, और अगर आप डिलीवरी देते हो तो ये आपको दोनों साइड पे ये सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्ज पे करना पड़ता है। सेबी ने एक टर्नओवर फी लगा रखी है, वो आपको एक बड़े अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट पे देनी पड़ती है, जो बिगनर ट्रेडर है उनको इससे अभी डरने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, एक होता है स्टैंप ड्यूटी, इससे भी आपको बिगनर को डरने की जरूरत नहीं होगी, ये भी बड़े अमाउंट पे ही लगता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मेन जो हमारा चार्ज है वो हमारा सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्ज, वो 0.1% बाय और सेल साइड दोनों साइड लगते हैं, एसटीडी और सीटीडी भी बोलते हैं, और ये सिर्फ आपका इंट्राडे के अंदर या फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर एक ही साइड पे लगता है, वो आपका सेल साइड। फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है आपको चार्जेस के बारे में जान लेना, क्योंकि कई वीडियो ऐसी बनी हुई जिसके अंदर आपको प्रॉपर तरीके से वो चार्जेस के बारे में नहीं बताते हैं, सिर्फ आपको डीमैट अकाउंट इस अकाउंट पे खुलो इस अकाउंट पे खुलो, वो ना करके आप एक बार सही से समझ लेना चाहिए कि किसे ब्रोकर चार्ज कितना है, किस पे वो इंपॉर्टेंट चार्ज लगते हैं, किस पे कौन सा चार्ज लगते हैं। तो बहुत डिफरेंट तरीके के चार्जेस होते हैं जो एक बिगिनर ट्रेडर को नहीं पता होते हैं और वो कंफ्यूज होता है इन चीज़ों को लेकर, तो एक वीडियो होनी बहुत जरूरी है इन चीज़ों को पता करने के लिए। एक नेक्स्ट चार्ज वो क्या होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब आपको पता है
भारत सरकार और राज्य सरकार भी क्यों पीछे रह जाए, अगर आप कुछ चीजें अगर आप कुछ अमाउंट अर्न कर रहे हो तो फिर उसमें आपको पता है फिर बहुत लोग आते हैं लेने के लिए। तो इसी तरीके से भारत सरकार और राज्य सरकार को भी एक पर्टिकुलर अमाउंट आपके ट्रेड में से दिया जाता है, वो 9%, 9% दोनों को मिला के IGST मतलब 18%, जो कि ब्रोकरेज चार्ज ट्रांजेक्शन क्लियरिंग चार्ज पे आपको देना पड़ता है। मतलब ब्रोकरेज चार्ज और ट्रांजेक्शन क्लियरिंग चार्ज को मिला के जो अमाउंट बनेगा उस पर 18% लगा के आपको ये चार्ज पे करना पड़ेगा। इसमें 18% के पास जो परसेंट हट गया है बेसिकली 18% ध्यान रखना दोस्तों। तो आपको GST, CGST और SGST को मिला के IGST आपको 18% पे करना पड़ेगा, ठीक है, ब्रोकरिंग चार्ज और ट्रांजेक्शन क्लियरिंग चार्ज देना पड़ेगा। मैं आपको अपने एंड्रू भी दिखा दूंगा कि वो मेरा कितना लगा था, जिससे आपको ये क्लियरिटी हो जाएगी ये चार्जेस आपको इतना रुपए पे करने पड़ते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो बस आपको ये नॉलेज होनी बहुत जरूरी है कि ये चार्जेस इतने इतने रैसे से लगते हैं, जिससे आपको ये क्लियर दिमाग में रहे कि आपको अगर लॉस होता है तो आपको उस लॉस में उस चार्जेस के बाद कितना लॉस हो जाएगा। क्योंकि अगर प्रॉफिट हो तो अच्छी बात है, पर लॉस लॉस मतलब भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको वो लॉस के ऊपर डबल लॉस लेना पड़ेगा। तो अगला इंपॉर्टेंट चार्ज आता है हमारा डीपी चार्ज। आपके बारे में बता देता है ये डीपी चार्ज आपका 1 से 2 दिन बाद लगता है। जैसे सपोज आपने आज ट्रेड लिया, तो आज आपने ट्रेड ले लिया, आपने बाय कर लिया, तो वो बाय जो करा है आपने उसपे ऊपर तो आपका तुरंत लग जाएगा कि सारे चार्जेस मैंने बता रहा। पर ये चार्ज आपके सेल करने के बाद ये चार्ज आपको देना पड़ता है, ठीक है। सेल जैसे आपको डीमेट अकाउंट से आप डिलीवरी शेयर्स को भेज देते हो तो 15 रुपए, 13.5 रुपए प्लस GST मिला के करीब 15 रुपए बैठते हैं, वो आपको ये पूरा डीपी चार्ज पे करना पड़ता है, जिसे हम डिपोजिट ट्रांजेक्शन चार्ज बोलते हैं। तो ये चार्ज आपको 1 से 2 दिन बाद पे करना पड़ता है, आपने शेयर को सोल्ड कर देते हो। ये चार्ज आपको इंट्राडे और फ्यूचर ट्रेड में नहीं देना पड़ता है, ये आपको भी ध्यान रख लेना है। और दिखाऊंगा भी आपको एंड में कि उसके अंदर ये चार्ज मैंने जो ये जो चार्ज है उस पर शो ही नहीं कर रखा। ये चार्ज 2 दिन के बाद मेरे डीमेट अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लिए गए थे। 15 रुपए करीब ये शेयर चार्ज होता है दोनों को मिला के, वो आपके अकाउंट से 1 से 2 दिन के बाद डिडक्ट किया जाता है, जब भी आप शेयर को सोल्ड करते हो, सोल्ड टाइम पे यही आपको चार्ज देना पड़ता है। नेक्स्ट चार्ज जो हमारा होता है एक्सचेंज ट्रांजेक्शन के लिए चार्ज, जिसे हम क्लियरिंग चार्ज बोलते हैं, जो NSE BSE द्वारा लगाया जाता है। इसके भी अपने अपने कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे कि 0.00325%, BSE द्वारा 0.003%। बेसिकली मैंने जो ट्रांजेक्शन लिया, मैंने जो ट्रेड दिया था, मैंने NSE भी लिया, तो मेरा 0.00325% के आसपास जो उन्होंने मेरा चार्ज लगाया था, वो मैं आपको दिखा दूंगा एंड में कितना था क्या था, ठीक है फ्रेंड। तो ये NSE वाले और BSE वाले भी कुछ चार्जेस अपने जो इम्पोज करते हैं आपके ऊपर, वो ये होते हैं। तो बस अगर लॉस होता है किसी भी ट्रेड के अंदर, तो उसके अंदर आपको ये चार्जेस भी देने पड़ेंगे, चाहे आप बाई साइड पे हो चाहे आप सेल साइड पे हो, ये दोनों चार्ज आपको चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो आपको बियर करना पड़ेगा अपने ऊपर, ठीक है फ्रेंड। तो बहुत ही केयरफुल होकर आपको ट्रेड लेना है, बहुत ही ध्यान से, बिगिनर्स को तो खासकर बहुत ही ध्यान से, शुरू शुरू में एक एक स्टेप को बहुत धीरे धीरे चलना है। आपने ज्यादा मैक्सिमम टाइम को देखना है कि आपको उसी ट्रेड में जाना है जो आपको प्रॉफिट ही दे सके ज्यादा मैक्सिमम टाइम, ठीक है फ्रेंड। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वो मैंने बोला जो मैंने ट्रेड लिया था 362 रुपए का एक शेयर लिया था, जिसमें मेरा टैक्स पे वैल्यू सप्लाई लगा था, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज लगा था, क्लियरिंग चार्ज नहीं लगता है अभी, CGST और SGST को मिला के IGST जो बना 18%, उसके अंदर भी मैंने कुछ चार्जेस पे किए थे, देख सकते हो फ्रेंड, ठीक है। और फिर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्ज मैंने SCD पे किया, मेरा सेवी टर्नओवर फी नहीं लगी, मेरी ड्यू स्टैंप ड्यूटी नहीं लगी। तो ये वो चार्जेस हैं जो मैंने बाई साइड पे लिया था, 63 रुपए में चार पैसा बना था, और 62 रुपए का मेरा 665 रुपए का मेरा ये शेयर था, और 663 रुपए मैं 4 रुपए पैसे इसके लिए पे किए थे। अब सेल साइड देखो, मेरा सेल साइड में मैंने ये शेयर खरीदा था, अब सेल साइड में मेरे को देखो 690 को प्रॉफिट तो हुआ, तब भी प्रॉफिट मेरा काम कर रहे थे, क्योंकि जो भी मेरे को प्रॉफिट हुआ ऑलमोस्ट इसमें से मैंने काफी हद तक ब्रोकर्स को अपने दे दिया था। तो आपको ट्रेड लेसन में बस ये देखना है, बेशक अभी आप लर्निंग फेज में, पर आपको ट्रेड लेसन में मैक्सिमम टाइम कोशिश ये करना है कि आपको ऐसा ट्रेड लो जिसमें आपको थोड़ा प्रॉफिट हो, जिससे कि आपको जो ब्रोकरेज चार्जेस कटे उससे आपको ज्यादा लॉस ना हो, वो उसमें से निकल जाए, तो आपको इससे एक्सपीरियंस मिलेगा, सीखने को मौका मिलेगा, ठीक फ्रेंड। तो ये देख लो मेरा, मेरे को 690 रुपए का मेरे को प्रॉफिट, तो मेरा रिसर्च चार्ज करके मेरे को 678 रुपए 96 पैसे मेरे अकाउंट में आए थे। उसके बाद मेरा डीपी चार्ज लगाया था, जो 15 रुपए उन्होंने डिडक्ट करने के बाद मेरे अकाउंट में बाकी अमाउंट मेरे अकाउंट में भेज देता। तो आपको ध्यान रखना ये चार्जेस होते हैं जो आपको पे करने पड़ते हैं एकदम जब आप सेल करते हो चाहे आप बाय करते हो, इंट्राडे में नहीं, ये डिलीवरी की बात हम कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इस वीडियो में आज हम डिलीवरी के बारे में बात करें, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इंट्राडे या फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद।